हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टेक जलिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पंपलेट किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले आप कोरल ड्रॉ को ओपन करेंगे। कोरल ड्रॉ को यहां से इस तरह से ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों न्यू पेज लेंगे। न्यू पेज लेने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं इसको लीगल साइज़ ले लेता हूँ। लीगल साइज़ यहाँ पे लेने के बाद फिर मैं इसको वाइड कर लेता हूँ पेज को। उसके बाद पेज को वाइड करने के बाद यहाँ पे मैं दोस्तों एमएम लगा लेता हूँ। इंचेस में लगा हुआ तो उसको मैं एमएम में कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जो भी डिज़ाइन बनाता हूँ एमएम में बनाता हूँ। उसके बाद दोस्तों एक बॉक्स लेंगे जिसमें मुझे पंपलेट बनानी है। तो बॉक्स जो साइज़ होगा उसका वो 18x14 होगा, और 18x14 का जो साइज़ होता है वो जो प्रिंट मार्जिन साइज़ जो होता है वो होता है 250 और 200। तो ये मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन ले ली है, ये लाइन यहाँ पर बीच में लगा दी मैंने। और लाइन लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इस बॉक्स को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद इस तरह से यहाँ से मैंने इसको ब्रेक कर लिया है। अब ये पंपलेट की साइज़ है, 18x14 में दो पंपलेट बनती हैं। अब इसको मैंने यहाँ से लाइन थोड़ी इसकी डार्क कर दी, 4mm में कर दी है। तो ये यहाँ से अभी बॉर्डर नुमा कंप्लीट कर ये बॉक्स बन गया है। अब यहाँ पर मुझे टाइप करना है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कंप्लीट मुझे बनानी है उसके लिए मैंने दो इमेज भी बाहर डेस्कटॉप पे डाली हुई है। वो इमेज यहाँ पे ये पड़ी हुई, एक कंप्यूटर की पड़ी हुई है, एक डेस्कटॉप की पड़ी हुई है, और एक मतलब वही डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप की। तो दोस्तों ये इमेज मैं अभी यहाँ पर कंप्लीट में लगाऊँगा और उसके लिए मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों पंपलेट में बहुत जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ डिज़ाइन करना, इसलिए कि क्योंकि ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो होती, लंबी वीडियो होती तो कोई पसंद नहीं करता है। क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बना देता हूँ तो आदमी इग्नोर कर देता है थोड़ा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि आप लोगों का भी टाइम बहुत कीमती होता है। तो मैं बहुत कम समय में बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने टाइप कर लिया मैटर नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। अब इसको मैं अलाइनमेंट दे देता हूँ। इस मैटर को मैं अलाइनमेंट देकर सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ। अलाइनमेंट देने के बाद इसको मैं यहाँ पर इस तरह से सेट कर देता हूँ। अब दोस्तों इसके बाद मैं यहाँ से एक सर्किल लूँगा। सर्किल लेने के बाद इसको अंडे शेप में इसको इस तरह से बना लूँगा। फिर इसको मैं ब्लैक कर दूँगा, इस सर्किल को मैं ब्लैक कर दूँगा। ब्लैक करने के बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद इसके दूसरे सर्किल को मैं वाइट कर दूँगा। यहाँ से वाइट मैंने कर दिया, और वाइट करने के बाद इसकी लाइन थोड़ी सी बोल्ड कर दूँगा मैं यहाँ से। तो अब ये सर्किल में बनाने के बाद इसमें मैं मैटर लिखूँगा। इसको कॉपी पेस्ट कर लिया ऊपर वाले मैटर को मैंने। अब इसको टाइप करेंगे मैं, इसमें मैं लिखूँगा बम्पर, और इस मैटर को मैं यहाँ इस सर्किल में लगा दूँगा। लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इस बॉक्स को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पूरा सिलेक्ट करके। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद इस बम्पर को मैं लिखूँगा ऑफ़र, और ऑफ़र, अब ये बम्पर ऑफ़र हो गया। क्योंकि मुझे कंप्यूटर के पर्पज़ में इस पंपलेट को बनाना है, तो थोड़ा सा ये इस तरह से बनाऊंगा तो थोड़ा सा आदमी देखेगा तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद दोस्तों मुझे कंप्यूटर के पर बनाना है, तो मुझे अब टाइप करना होगा दूसरा मैटर, तो कंप्यूटर के पर ही टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ डुअल कोर डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप। अब इस मैटर को मैं पहले अलाइनमेंट दे देता हूँ, सेंटर अलाइनमेंट कर लेता हूँ। फिर इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा बोल्ड लेटर लगा देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा बोल्ड लगे तो हाईलाइट हो जाएगा थोड़ा इस तरह से। इसके बाद इसको मैंने यहाँ पर बोल्ड कर दिया, और थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद इस तरह से थोड़ा इसको और थोड़ा सा खींच लेता हूँ। उसके बाद ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। अब उसके बाद दोस्तों मैं फाइल में गया, इम्पोर्ट करूँगा यहाँ पर जो मैंने अभी डेस्कटॉप पर बताया था कंप्यूटर लैपटॉप पड़ा हुआ था, उसको मैं यहाँ से इम्पोर्ट करूँगा। इम्पोर्ट करने के लिए मैं दोनों ये यहाँ से इम्पोर्ट करके मैं ले आया। अब इसको मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया। इम्पोर्ट करने के बाद दोस्तों उसके बाद मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ कि सही से बैठ गया कि नहीं बैठ गया, साइज सही से लगा है कि नहीं लगा। उसके बाद दोस्तों ये मैंने पूरे मैटर को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ सेंटर में लाकर यहाँ इस तरह से। और उसके बाद मैं ये अंदर का जो मैटर है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
डिलीट करने के बाद ये ऊपर वाला मैटर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर नीचे इसको लेकर आऊँगा, थोड़ा सा छोटा करूँगा क्योंकि इसमें मुझे टाइप करना है कि कंप्यूटर की वारंटी भी शो करनी है। तो ये मैंने यहाँ पर इसके 11 मंथ वारंटी मैंने शो कर दी। अब ये भी डाल दिया मैंने। इसको डालने के बाद ये इस तरह से यहाँ पे सेट हो गया। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं रेट डालूँगा कि कंप्यूटर का रेट क्या है, वो रेट भी मुझे शो करना है तो उसको भी डाल लेता हूँ। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले मेरे वीडियो देखें। और दोस्तों वीडियो कैसी ये भी मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, और आगे आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बताएं क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग किस तरह की वीडियो चाहते हैं और मैं कम से कम समय में आप लोगों को वीडियो बना कर दूँगा कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो और आप लोग कम समय में वीडियो देख सकें। उसके बाद यहाँ दोनों मैंने रेट डाल दिए दोस्तों। रेट डालने के बाद यहाँ पे मैं अब जो लास्ट है इसमें जो कंप्यूटर का जैसे जो जिसकी भी शॉप है या जिसका भी इंस्टीट्यूट है या जो भी स्कूल की पंपलेट से तो उसका जो नाम होता है वो मेन होता है, तो उसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद इस मैटर को मैंने वाइट कर दिया, रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे उसका नाम डालना है, तो यहाँ पे मैं दोस्तों किसी का नाम नहीं डालना है, मैं अपने आप चैनल का ही नाम डाल देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया है और इसको थोड़ा सा वाइट कर दूंगा, स्ट्रेच कर दूंगा ताकि ये थोड़ा बोल्ड हो जाए। और इसी को फिर कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं इसका एड्रेस डालता हूँ। एड्रेस डालने के बाद ये मैंने एड्रेस डाल दिया। एड्रेस डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं अब इसका यहाँ पे नीचे नंबर डाल दूंगा, जो भी जो कंप्लेंट जिसका भी होगा उसका नंबर डालना है क्योंकि उसका भी ऐड बहुत ज़रूरी है। उसका भी थोड़ा सा बोल्ड रखना तो ज़रूरी है क्योंकि जिसका पंपलेट है जिसकी शॉप की पंपलेट होगी तो उसको उस चीज़ को भी थोड़ा बोल्ड रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद ये आपका पंपलेट रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये पंपलेट आपका रेडी हो गया, उसके बाद आप पूरे मैटर को सिलेक्ट कर लीजिए, ग्रुप कर लीजिए। तो ग्रुप करने के लिए आप क्या करेंगे, पूरे मैटर को आप सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद अब अरेंज में जाएंगे। अरेंज में जाने के बाद आप इसको ग्रुप कर लीजिए। ग्रुप होने के बाद दोस्तों आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। कॉपी पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप इसको लेफ्ट अलाइनमेंट से लगा लीजिए। और लेफ्ट अलाइनमेंट से लगाने के बाद दोस्तों इसका जो बॉक्स है, जो मेन बॉक्स है, उसको आप नन कर लीजिए। हर लाइन में जाकर यहाँ पर इसको नन कर लिया। उसके बाद जो है आप पूरे मैटर को ग्रुप कर लीजिए फिर से अरेंज में जाकर। और ये ग्रुप होने के बाद दोस्तों अब आप इसको प्रिंट दे सकते हैं, प्रिंट करने के लिए मास्टर पे निकालने के लिए। तो दोस्तों प्रिंट करने के लिए आप फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे। प्रिंट ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों इसको यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप लीगल साइज़ लगा लेंगे क्योंकि लीगल पेज लगा हुआ है। उसके बाद ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे और ये आपका कंप्लीट प्रिंट के लिए रेडी हो गया। तो मास्टर पर निकालना है तो 1.5 इंच का मार्जिन देना पड़ेगा। अगर मास्टर पर नहीं निकालना, आपको स्क्रीन से छापना है, बटर पेपर पर, ट्रेस पेपर पर निकालना है, तो उसके लिए आपको मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको साइड में लगा के प्रिंट दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कंप्लीट आपकी रेडी हो गई है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत ही आसान है। आप इसको बना सकते हैं, अपना आइडिया लगा के आप इससे भी अच्छी कंप्लीट बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। फिर आता हूँ नई वीडियो लेकर। ओके दोस्तों, चलता हूँ, बाय।